तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज शिव महापुराण कथा का तीसरा दिन है और आज मैं आया हूँ कोकड़ी गांव। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, हम प्रदीप मिश्रा जी का जो कथा है शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं कुछ ही समय पश्चात। और आप भी देख सकते हैं दीदी लोग भी आए हुए हैं। और कहाँ से दीदी आप लोग? खरोरा से। अच्छा खरोरा, यहीं से हो तो आज ही आए हो? नहीं खरोरा। अच्छा खरोरा से। तीन दिन हो गया हम लोग का। अच्छा कंटिन्यू आ रहे हो? हाँ। अरे वाह, मैं रायपुर से हूँ, दीदी लोग भी आए हैं, वो पहले पहुँच गए हैं, वो बैठेंगे ऐसे करके, तो मैं थोड़ा सा डिले हो गया। तो चलो जी ठीक है भैया, हम लोग खा रहे हैं। दीदी लोग देखो तीन दिन से लगातार आए हुए हैं। और कैसा लगता है शिव महापुराण की कथा? बढ़िया है ना? प्रदीप मिश्रा जी तो बहुत ही अच्छा कथावाचक हैं और अच्छा कथा सुनाते भी हैं। तो चलिए ठीक है, कथा सुनते हैं। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सब मंत्र उच्चारण करते हुए सब लोग आ रहे हैं। और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर आप ये देखिए इस ओर की गई है। और दोस्तों खेत को पूरा पार्किंग बना दिए हैं। और आप ये देखिए आज तीसरा दिन है और अभी मोटरसाइकिल और आप ये देख सकते हैं कार इतने सारे रखे हुए हैं। और कुछ देर बाद देखना ये वाला जो खेत वो भी पूरा भर जाएगा कार से। और देखो कथा शुरू होगी 1 बजे और अभी 10 बजा हुआ है। और आप ये देखिए बहुत जितने भी श्रद्धालु लोग अभी आ गए हैं कथा सुनने के लिए। तो देखिए आज तीसरा दिन है शिव महापुराण का और ये बच्चे लोग अभी सभी के माथे पे लगा रहे हैं टीका महाकाल का। तो ये देखिए दीदी लोग भी आए हुए हैं अभी। आप लोग कहाँ से आए दीदी? रायपुर से। रायपुर से आए हो? और आप कहाँ से आए दीदी? रायपुर से आए हो? तो चलो बढ़िया। तो देखिए रायपुर से आए हैं दीदी लोग, तो चलिए उधर चलते हैं कथा स्थल की ओर। तो आप ये है कथा स्थल जाने का मार्ग, तो इसी ओर से चलेंगे हम कथा स्थल की ओर। और आप ये देखिए पुलिस व्यवस्था भी है। दोस्तों कथा शुरू होगी 1 बजे और आप ये देखिए 10:30 बजे से सभी लोग पहुंच रहे हैं कथा स्थल में शामिल होने के लिए। देखो यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है, यहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यदि आपके पास पास है तो आप सामने बैठेंगे और पास वालों की लाइन देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सब दीदी भाई लोग सभी पास रखे हुए हैं और लाइन लग के वहाँ कथा पंडाल में बैठेंगे। ये देखिए पास लेने के बाद आपको ऐसा लंबा लाइन में लगना पड़ेगा और उसके बाद ही आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुन पाएंगे। और इस ओर है सामान्य, ये व्यासपीठ से आप दूर बैठेंगे लेकिन LED के माध्यम से देख पाएंगे और माइक के माध्यम से सुन पाएंगे इस ओर से। तो दोस्तों परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है 1 बजे शुरू होगी और अभी आप ये देखिए 10:30 बजे हैं और लोग पहले से आके बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए। और बहुत से लोग तो आप ये देख सकते हैं कथा शुरू नहीं हुए हैं लेकिन उससे पहले भक्तिमय हो गया है पूरा यहाँ का वातावरण और सभी भक्ति में झूमते हुए नाचते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।